नमस्कार। भारत के सामने पाकिस्तान की क्या औकात है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये कंगाल देश भले ही हर तरफ से मुंह की खाता फिरता हो, लेकिन बयानबाजी में कभी पीछे नहीं हटता। अरे यार, कुछ तो शर्म करो। आतंक का पनागार कहलाते हो। इमरान खान से किसी देश का दिग्गज मुलाकात से पहले 100 बार सोचता है। अपने नागरिकों को कोरोना काल में वैक्सीन तक मुहैया नहीं करा पाया ये देश, और उस वक्त भारत समेत तमाम देशों की तरफ ताक रहा था कि कहीं से कोई तो मदद मिल जाए, और वो भी फ्री में। लेकिन क्या करें, नफरत पालने वाला देश नफरत कैसे छोड़ सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मन में भारत को लेकर जबरदस्त नफरत है। आलम यह है कि बेचारा सामने तो कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए फिल्मों के माध्यम से भारत पर निशाना साधने लगा है। यकीन मानिए, पाकिस्तान की इस हरकत पर आपको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि आपको तरस आएगा। बेचारा पाकिस्तान, और कर भी क्या सकता है। फिल्म बनाकर उसमें बढ़िया बढ़िया डायलॉग बोल रहा है। पाकिस्तान में दरअसल एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है ढाई चाल। इसके बहाने पाकिस्तान ने भारत संग अपनी नफरत को जग जाहिर किया है। अब सोचिए, पाकिस्तान के ऐसे दिन आ गए हैं कि उसकी सुबह शाम भारत का नाम लेने से ही होती है। फिल्मों में भी भारत का सहारा लेकर ही पैसे कमाने का आइडिया निकाला है। वैसे अपनी फिल्म के जरिए भारत को नीचा दिखाने की ये जो कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। शायद इसी घटिया सोच और नफरती व्यवहार की वजह से पाकिस्तान दिन पर दिन गर्त में जा रहा है। आपको बता दें, ढाई चाल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तानी कलाकार खुलेआम भारत की निंदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2001 में संसद हमला, मुंबई 26/11 हमला, उरी, पठानकोट, पुलवामा जैसे आतंकवादी हमलों का जिक्र करते हुए भारत की ही आलोचना कर रहा है। मतलब सच में हद है, ये पाकिस्तान की बेहद ओछी हरकत है। लेकिन फिर जैसा कि हमने कहा, सच में तो हिम्मत है नहीं, इसलिए फिल्म के जरिए ही भड़ास निकाल रहा है। खैर, पाकिस्तान की इस हरकत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।